अरे मोनू, तू इतना मोटा कैसे हो गया? मोनू बोला, हमारे घर में फ्रिज नहीं है ना। सोनू बोला, तो? मोनू बोला, कुछ बचा नहीं सकते, सब खाना पड़ता है। पप्पू बोला, यार राजू, पत्नी को बेगम क्यों कहा जाता है? राजू बोला, क्या है कि शादी के बाद सारे गम पति के हो जाते हैं, तो पत्नी बेगम हो जाती है। जब आदमी रिजर्वेशन करवाकर ट्रेन में सफर करता है तो अपनी सीट पर नहीं टिकता, और जब लोकल में सफर करता है तो अपनी सीट नहीं छोड़ता। टमाटर और आम पहले हरे होते हैं, बाद में उन्हें गुस्सा आ जाता है, फिर वो लाल पीले हो जाते हैं। बस यही बताने के लिए आया था। इतिहास गवाह है, एक प्रेम पत्र और दूसरा स्कूल की छुट्टी की अर्जी, इसमें सबसे ज्यादा झूठ ही लिखा जाता है। मैकेनिक बोला, मैडम, इंजन में ऑयल नहीं है, ब्रेक भी काम नहीं कर रहा है। महिला बोली, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो लगी रहेगी, तुम पहले मिरर ठीक करो। इन खूबसूरत लड़कियों का बस चले तो गोबर को भी कह दें, अले अले मेला गोबू, आज तुम्हें किसी ने नहीं उठाया, चलो मैं उठा देती हूँ। सोनू बोला मोनू से, यार ये पत्नी अभी क्या कहर ढाती है, खुद प्यार से बात करेगी नहीं और पड़ोसन को करने देगी नहीं। संता ने तेज गाड़ी चलाकर 25 लोगों को उड़ा दिया। जज बोले, तुमने 25 लोगों को उड़ा दिया, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? संता बोला, सर मैं गाड़ी तेज चला रहा था, पर मैंने जब ब्रेक मारी तो पता चला कि ब्रेक फेल है। फिर मैंने सामने देखा तो दो आदमी जा रहे थे और दूसरी ओर एक बारात जा रही थी, तो आप ही बताइए मैं गाड़ी किधर मोड़ता? जज बोले, सिंपल सी बात है, जिस तरफ दो आदमी थे नुकसान कम होता। संता बोला, बिल्कुल सही सर, मैंने भी यही सोचा, पर वो दो आदमी मेरी गाड़ी देखकर बारात में घुस गए। एक बार एक चींटी हाथी की पीठ पर बैठकर कहीं जा रही थी, रास्ते में एक कच्चा पुल आ गया। चींटी ने पूछा, भाई ये पुल पार कर लोगे या मैं उतर जाऊं? दो दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। पहला दोस्त बोला, अगर मुझे दूसरा दिमाग लगवाने की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारा दिमाग लगवाना चाहूंगा। दूसरा दोस्त बोला, मतलब तुम मानते हो कि मेरे पास जीनियस का दिमाग है? पहला दोस्त बोला, नहीं यार, मुझे ऐसा दिमाग चाहिए जो पहले कभी यूज ना हुआ हो। लड़का बोला, सर मैं आपकी बेटी से 20 साल से प्यार करता हूँ। लड़की के पापा बोले, तो अब क्या चाहते हो? लड़का बोला, शादी। लड़की के पापा बोले, थैंक गॉड, मैंने सोचा शायद तुम पेंशन चाहते हो। मरीज बोला, डॉक्टर साहब चेकअप करवाना है। डॉक्टर बोले, क्या समस्या है? मरीज बोला, 2-4 दिन से लीवर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोले, शराब पीते हो? मरीज बोला, हाँ पर छोटा पैग ही बनाना, अभी मूड नहीं है। पहले एक गाड़ी वाले ने रेड लाइट जंप की, उसके पीछे 5 लोगों ने और जंप की। बाकियों ने पूछा, इसे क्यों छोड़ दिया? इंस्पेक्टर बोले, ये हमारा ही आदमी है, ये वापस जाएगा, रेड लाइट जंप करेगा और तुम जैसे 4-5 को और फंसाएगा, आखिर हमें भी तो टारगेट पूरे करने होते हैं। बंटी ने हजामत की दुकान खोली, एक ग्राहक सेव कराने आया। बंटी बोला, मूछ रखनी है? ग्राहक बोला, हाँ। बंटी ने ग्राहक की मूछ काट कर उसके हाथ में देते हुए कहा, लो रख लो, जहाँ रखनी है। सोनू बोला मोनू से, यार गांव की गोरी के साथ इश्क में बस एक ही परेशानी है, अगर रोमांटिक होकर उसकी गोद में सर रखो तो वो जुए देखने लगती है।
आत्महत्या दो प्रकार के होते हैं, पहली तेज और आसान, गले में रस्सी डालो और पंखे से लटक जाओ, दूसरी धीमी और दर्दनाक, गले में वरमाला डालो और जिंदगी भर लटके रहो। मैडम बोली, आपको सभी चीजें स्कूल से ही लेनी होगी, जैसे कि किताबें, यूनिफॉर्म, जूते, बेल्ट आदि। पिता बोले, और शिक्षा? मैडम बोली, उसके लिए आप बाहर से ट्यूशन लगवा सकते हैं। पप्पू अपने दोस्त से बातें कर रहा था। मेरी पत्नी का स्वभाव बहुत खर्चीला है, हर दूसरे दिन 1,000-2,000 रुपये मांगने लग जाती है। दोस्त बोला, आखिर इतने पैसे का वो करती क्या है? पप्पू बोला, क्या पता यार, मैंने कभी दिए ही नहीं। शादीशुदा बंदे अखबार में अपना राशिफल नहीं देखते, वे बीवी की राशि देखकर ही समझ जाते हैं कि आज उनका दिन कैसा गुजरेगा। लड़की बोली, इस ड्रेस की कीमत क्या है? दुकानदार बोला, बस 5 किस। लड़की बोली, और उस ड्रेस की? दुकानदार बोला, 10 किस। लड़की बोली, ठीक है, दोनों को पैक कर दीजिए, बिल दादी दे देगी। इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि टिंडे जैसे मुंह बना लेने से समस्या का हल नहीं होता। विदाई के समय दूल्हे का मोबाइल बजा, दुल्हन ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। पता है क्यों? क्योंकि उसकी रिंगटोन थी, दिल में छुपाकर प्यार का अरमान ले चले हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, सेल्फी लेने के लिए कैमरा ऑन किया हो और शक्ल देखकर लगे, छोड़ क्या फायदा? सर बोले, सेमेस्टर सिस्टम से क्या फायदा है बताओ? छात्र बोले, फायदा तो पता नहीं सर, पर बेइज्जती साल में 2 बार जरूर हो जाती है। मैडम बोली, अच्छा बच्चों बताओ, 15 अगस्त को हमें क्या मिली थी? छात्र बोला, मैडम छोटे से कटोरे में जरा सी बूंदी। एक लड़की चाय पी रही थी, अचानक उसके मुंह में एक मच्छर चला गया, लड़की को पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद उस मच्छर का बाप आया और कहा, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, जिसे सुनकर लड़की बेहोश। अमेरिका में रह रहे एक लड़के की बीबी का निधन हो गया। 1 साल बाद जब वह अमेरिका से वापस आया तो उसे उसकी बीबी घर पर नहीं मिली। उसने अपने दोस्त से पूछा, मेरी बीबी कहाँ है? दोस्त ने बताया, वो तो 1 साल पहले ही गुजर गई। लड़का रोने लगा और बोला, पहले क्यों नहीं बताया? दोस्त बोला, मैंने सोचा तुझे सरप्राइज दूंगा। दुकानदार बोला, चाचा कौन सा मोबाइल दिखाऊं? चाचा बोले, Note 3 दे दो। दुकानदार बोला, चाचा लावा वगैरह ले लो ना, Note 3 समझ में नहीं आएगा। चाचा बोले, अरे नहीं बेटा, वो Note 3 ही चाहिए। दुकानदार बोला, पर Note 3 ही क्यों? चाचा बोले, क्योंकि उसमें कान खुजाने के लिए डंडी आती है ना। सर बोले, अच्छा बच्चों बताओ, सबसे ज्यादा कैल्शियम किसके दूध में होता है? कुछ देर सोचने के बाद पप्पू बोला, सर जवान लड़की के दूध में। सर बोले, वो कैसे? पप्पू बोला, मुंह लगाते ही बेजान अंगों में भी जान आ जाती है। पप्पू बोला, पापा हम लोग कौन सी जगह पर जा रहे हैं? पापा बोले, बेटा हम लोग दुबई जा रहे हैं। पप्पू बोला, वाओ, तब तो हम लोग वहाँ मियाँ खलीफा पर चढ़ेंगे ना। पापा बोले, नहीं बेटा, मोबाइल में ध्यान हटाकर किताब पर ध्यान दे, वो बुर्ज खलीफा है। पति पत्नी से बोला,
तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। पत्नी बोली, नारियल फोड़, प्रसाद चढ़ा, पूजा कर, और मैं जो कहूं उसे रब की इच्छा मानकर किया कर। कोई लड़की लड़के पर और लड़का लड़की पर नहीं देगा ध्यान, इस बार बस कोरोना जी से बचने के लिए सभी जपेंगे प्रभु का नाम। लड़का बोला, तुझे देखते रहने से जानू दिल में दर्द सा जाग उठा है। लड़की बोली, कोई बात नहीं, पॉइजन की गोली देकर सुला दे। जब पत्नी पति को प्यार करने लगे बार बार, तो पति हो जाए आने वाले खर्चे को तैयार, या फिर सोच लें कहां से मिल सकता है उधार। पत्नी को खुश रखने का यही है चमत्कार। पत्नी के लिए इस संसार में सबसे प्यारा स्थान उसका मायका होता है, और पति का भी पत्नी का मायका होता है, क्योंकि जब वह वहां जाती है तो पति चैन से सोता है। बॉयफ्रेंड ने बार बार गर्लफ्रेंड को चॉकलेट खिलाकर प्यार इतना स्वीट किया कि वैलेंटाइन डे आते आते गर्लफ्रेंड को शुगर ही ले उड़ा। खुश होकर लड़का गया करने प्रपोज, क्योंकि दिखी होठों से हंसी दबाए स्वीट, फिर रोता हुआ लौटा बेचारा, क्योंकि प्रपोज के समय दिख गए उसके टूटे हुए टीथ। मच्छर का बच्चा पहली बार जब उड़ा और जब वापस आया तो उसके पापा ने पूछा, कैसा लगा उड़कर? मच्छर का बच्चा बोला, बहुत अच्छा लगा, जहां भी गया लोग तालियां ही बजा रहे थे। सुबह से दौड़ रही है चाकू लेकर पगली मेरे पीछे, मैंने तो मजाक में कहा था, दिल चीर कर देख, तेरा ही नाम होगा। पत्थर की भी कीमत तब समझ में आती है जब सुनसान रास्ते पर कुत्ता घेर ले और पत्थर न मिले। सुबह सुबह पत्नी नींद से उठते ही बोली, अजी सुनते हो? पति बोले, बोलो क्या हुआ? पत्नी बोली, मुझे सपना आया कि आप मेरे लिए हीरो का हार लेकर आए हो। पति बोले, ठीक है तो वापस फिर से सो जाओ और पहन लो। एक कैदी दूसरे कैदी से बोला, तुम्हें पुलिस ने क्यों पकड़ा? पहला कैदी बोला, बैंक लूटने के बाद वहीं बैठकर पैसे गिनने लगा तो पुलिस ने पकड़ लिया। दूसरा कैदी बोला, वहीं पर पैसे गिनने की क्या जरूरत थी? दूसरा कैदी बोला, वहां पर लिखा था कि काउंटर छोड़ने से पहले पैसे गिन ले, बाद में बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। मम्मी अपने बेटे से गुस्से में बोली, क्यों रे, तू बाल क्यों नहीं कटवाता? लड़का बोला, क्या दिक्कत है माँ, ये आजकल का फैशन है। मम्मी बोली, आग लगे इस फैशन को, लड़के वाले तेरी बहन को देखने के लिए आए थे, तुझे पसंद करके चले गए। ऑफिस का एक कर्मचारी बोला, सर आप ऑफिस में शादीशुदा आदमी को ही क्यों रखते हो? सर बोले, क्योंकि उन्हें बेइज्जती सहने की आदत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। सोनू बोला, यार मेरे बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। मोनू बोला, अरे तो डरता क्यों है? सोनू बोला, सब बोलते हैं 10वीं का एग्जाम ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मोनू बोला, अरे यार ज्यादा टेंशन मत ले, 10वीं की मार्कशीट तो बस जन्म तिथि देखने के काम आती है। एक लड़की डॉक्टर के पास गई और बोली, सर मैं हमेशा सोती रहती हूँ, बहुत ज्यादा नींद आती है। डॉक्टर बोले, मोबाइल कौन सा है आपके पास? लड़की बोली, नोकिया 1100। डॉक्टर बोले, ओ अब समझ में आया, मैं एक स्मार्टफोन लिख देता हूँ, उसमें जियो का सिम डालकर यूट्यूब फेसबुक और व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेना, एकदम आराम हो जाएगा। बेटा बोला, माँ मुझे शादी नहीं करनी, मुझे सभी औरतों से डर लगता है। माँ बोली, कर ले बेटा,
फिर एक ही औरत से डर लगेगा, बाकी सब अच्छी लगेंगी। एक बार एक कब्रिस्तान के पास दो नशेड़ी लोग बातें कर रहे थे। यार, ये लोग यहाँ पर आकर कितने आराम से सो रहे हैं। तभी इतने में एक मुर्दा खड़ा होकर बोला, भाई क्यों नहीं सोए? अपनी जान गंवा कर ये जगह पाई है हमने।